जिला संगरूर के धूरी का दौलतपुर गांव जिले का पहला हाईटेक गांव बन गया है, जहां गांव के हर एंट्री पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और गांव के स्कूल को स्मार्ट स्कूल और इसके साथ ही गांव के सड़कों पर इंटरलॉकिंग टाइलें लगाई गई हैं। गांव में लगे कैमरे वाईफाई से लैस हैं। इन कैमरों का उद्घाटन धूरी के विधायक दलबीर सिंह गोल्डी ने किया। उन्होंने गांव के लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने इतना मेहनती सरपंच चुनकर भेजा। धूरी से आने वाली मेन रोड, उसके लिए भी लंबे समय से मांग उठ रही थी, जिसको भी आज पास करवा दिया गया है। उस रोड में सीवरेज डाला जा चुका है और अब उस पर प्रीमिक्स का काम जल्द ही कर दिया जाएगा। गांव के सरपंच हरदीप सिंह ने कहा कि उन्होंने 12 कैमरे लगाए हैं जो कि गांव के हर एंट्री पॉइंट को कवर करते हैं। इस पर 1,25,000 के करीब उनका खर्चा आया है, क्योंकि गांव के मध्य से रेलवे लाइन गुजरती है, इसलिए कुछ कैमरे वाईफाई से भी लैस किए गए हैं और ये कैमरे हाई रेजोल्यूशन है। गाड़ी की नंबर प्लेट तक इनके माध्यम से देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि ये आज के समय की जरूरत थी। उनका गांव शहर के बिल्कुल पास था पर काफी पिछड़ा हुआ था। वे पंजाब के हाईटेक गांवों को देखते थे। कई ऐसे गांव हैं जो काफी हाईटेक हैं। उन्हें देखकर उन्हें भी अपने गांव को इस तरह करने का आइडिया आया। मेरे साथ जोड़ा बढ़िया मॉडल पेंट बनाया गया सरपंच बोलो की कहोगे किस तरह के प्रयास किए गए। सब तो पहला मैं नगर दौलत दे दौलतपुर के सारे साडे वसनीकों का मैं धन्यवाद करदा जिन्हां ने साडा बहुत ही वधिया एक आगू नौजवान साडे सरपंच साहब नूं चुणिया ते नाल ही सारी पंचायत नूं चुणिया। उदे नाल ही मैं धन्यवाद करदा साडे वीडियो साहब दा जिन्हां ने बिल्कुल एक काम दी वधिया तरीके नाल देख रेख कीती, नाल ही सैकटरी साहब साडे जो पंचायत सैकटरी ने ते सारे नौजवानां दी टीम ने एक उदम करिया एक स्मार्ट विलेज दे तौर ते इह पिंड नूं असीं ने विकसित करिया जिहड़ा शहर दे बिल्कुल नाल सीगा। इहदे च संगरूर जिले दा इह पहला पिंड आ जी जिहदे जिहड़ा सीसीटीवी कैमरे दे अंडर आ रिहा ते सारे जिथों भी एंट्रेंस हैगी पिंडां दी कैमरे भी लाए गए ने। आ स्मार्ट स्कूल तुसीं देख सकदे पिंडां दे विच जिथे गलियां नालियां दी जिवें रूटीन दे विच काम हुंदे ने उहदे नाल नाल जिहड़ी बाहरलियां सड़कां ने उहनां दे नाल बरम पक्के जिहड़े इंटरलॉक टाइल्स ला के चाहे बजुर्गां दे बैठण नूं शैड दी गल होवे ते सब तों वड्डी दिक्कत जिहड़ी इह पिंड नूं अप्रोच दी दिक्कत सीगी जी। जे धूरी तों आपां आउणे आ तां इह जिहड़ियां सड़क सीगी इह अज तों बहुत लंबे समें दी जिहड़ी इह लोकां दी मंग सीगी ते जे इधरों कहीरू वाली साइड तों आउणे आ जां मलेरकोटले वाली रोड तों आउणा इह सड़क वी जिहड़ी बड़े पुराने टाइम तों खस्ता हालत सी पर यह जी मलेरकोटले तो घेरू वाली रोड है असं पहला यह बनवा चुके हैं तो एक रोड रही जी धूरी तो दौलतपुर कनैक्ट करती सी। अज उहदा भी मेरे नाल जी साहब ने तकरीबन 24 लाख रुपए की जी भी ग्रांट अज असी मंजूर करा के लिया के दी है। तकरीबन सीवरेज ये अंडर नीचों की सीवरेज पैके जोड़ा वाटर सीवरेज प्लांट लगेगा वो इस पिंड लग रहा जोड़ा ताकि पानी वह साफ हो के लोगों के खेतों वालों जाए। ये सारे जोड़े प्रोजेक्ट ने यह असी ने साड़ी कोशिश आ भी असी हरेक पिंड इस तरह ये तो सुनेहा लैके बाकी सरपंच साहबान पंचायत साहबान इस तर्ज के उत्ते काम कर ताकि वह लोगों ने जिहड़ियां आसा ते उम्मीदां नाल उन्होंने चुन के अगे करिया हुंदा तां लोगों नूं उहदा सही बेनीफिट मिल सके। जिहदे करके सानू वायरलैस करने पए थोड़ा जिहा इस करके भी थोड़ा खर्चा भी ज्यादा आया नहीं कैमरिया का मतलब तकरीबन असीं सारे पिंड नूं कवर करता जी बाहर तो कोई भी रोड है साडे पिंड जिहड़ी आउंदी है एंट्री ते बाकी ये है भी जिन्नी भी स्पीड लिमिटेड गड्डिया की होंगी है वह तो यह कवर करते हैं कैमरे नंबर प्लेट वगैरह सारा कुछ कवर होंगे जी। अज के समय की मंग सी कैमरे बहुत जरूरी ने ठीक है जी। हुण हालात यहोजे हो गए कि आप नहीं भी 24 घंटे अपने बच्चों पर भी निगाह नहीं रखते हैं जो लड़ाई झगड़े ने इस चीज़ का बहुत ठल पैंती है इन्होंने गलों जरूरी ने आइडिया तो जी साढ़े ना हूँ शहर के नेड़े से असं काफ़ी टाइम तो पिछड़े हुए थे साढ़े पिंड काम नहीं होया जिमें पंजाब के एक दो पिंड है भी बड़े सोहने पिंड है मॉडर्न उन्होंने देखा देख के अपने दिल के भी यह आया कि साढ़े लोगों का सुपना सगा जी सू खुद में ऐ महसूस होने लग गया कि असं बहुत मतलब वैकवर्ड आ ठीक है जी। तो वैकवर्ड सोच होंगी है जी बंदा वैकवर्ड नहीं होंगे कदम भी तो इस करके मैं सारे पिंड का साथ लैके जी मेरे सारे नौजवान पंचायत मैंबर ने जोड़े सारे बहुत वधिया मेरा साथ दे रहे हैं तो असं एक ही प्रण किया कि आपने जो पिंड है पिंड में बड़ा सोहना बना 5 साल दिखा कि काम इदा होंगे होंगे हाँ जी।